हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इसरो के तरफ से बम्पर भर्ती निकल के आ रहा है जो 2019 और 20 के लिए। दोस्तों, बहुत सारा वैकेंसी निकल के आ चुका है, उसका ऑनलाइन भी चालू है। और अभी एक दूसरा वैकेंसी निकल के आ रहा है LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के तरफ से। दोस्तों, यहाँ पे इसरो सबसे ग्रोइंग सेंटर है, अभी ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इसरो से जॉब लेना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। उसके साथ इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको भी सारे जानकारी मिल जाएगा कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे इसरो के तरफ से ITI वालों के लिए भी वैकेंसी निकल रहा है, डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी निकल रहा है, डिग्री वालों के लिए वैकेंसी निकल रहा है, 12th वालों, BSc वालों, MSc वालों, सबके लिए दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, सब अपडेट आप लोग को मैं दे रहा हूँ। ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ LPSC के तरफ से क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, सब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा जरूर एक लाइक करिए, सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ इसरो को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे वेबसाइट को जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा, helpingtapan.com हमारे वेबसाइट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिल जाएगा। उसके साथ आपको अगर ई बुक चाहिए, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, ये है जो वैकेंसी निकल के आ रहा है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। जो आपकी ज्वाइनिंग होगा इधर बेंगलोर में होगा, नहीं तो तिरुवनंतपुरम में होगा। दो सेंटर है LPSC का, ये जो वैकेंसी आया है तिरुवनंतपुरम में। तो दोस्तों, केरला का जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे है। पर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, बाल्या मेला नियर तिरुवनंतपुरम एंड एट बैंगलोर। तो दोस्तों, दो जगह में है, कहीं पे भी यहाँ पे ज्वाइनिंग दे सकता है। दोस्तों, इसको अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर क्लिक करके आप आराम से अप्लाई भी कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी डाउनलोड करके आराम से पढ़ भी सकते हो। जो वैकेंसी निकल के आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, साइंटिस्ट इंजीनियर SD के लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है। SC के लिए भी वैकेंसी है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, साइंटिस्ट इंजीनियर SC के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। दोस्तों, इससे पहले एक वैकेंसी चालू है 370 के, 325 के करीब यहाँ पे इसरो का वैकेंसी चालू है। इससे पहले मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देख के उसको भी अप्लाई कर सकते हो। वो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट था, सारे इसरो का यूनिटी है उसके लिए वैकेंसी निकल के आया था। पर ये जो वैकेंसी है ओनली LPSC के तरफ से वैकेंसी है दोस्तों। इसरो का बहुत सारा यूनिटी वाइज भी वैकेंसी निकलता है, सेंट्रलाइज का वैकेंसी भी निकलता है। इससे पहले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, आपको राइट कॉर्नर में वो वीडियो मिल जाएगा। राइट कॉर्नर में एक आई ऑप्शन होगा, उधर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों, इससे भी कहीं ज्यादा वैकेंसी उसमें था, पर यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी थोड़ा कम है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो जरूर इसको अप्लाई करिए। दोस्तों, साइंटिस्ट इंजीनियर का जो SD के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन है बी और BTech कर रखे हो, तो इसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, जो ब्रांच है थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल साइंस या कंब्यूशन फ्लूइड मशीन, ये सारे ब्रांच में आप अगर कर रखे हो BE, BTech या ME, MTech प्लस PhD कर रखे हो, तो ही इसको अप्लाई कर सकते हो। SD के लिए ओनली PhD कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, और SC के लिए ओनली BE और BTech वालों अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, साइंटिस्ट इंजीनियर SC, यहाँ पे सैलरी दोस्तों बहुत ही अच्छा रखा गया है। साइंटिस्ट इंजीनियर SC के लिए लेवल 10 में आपकी ज्वाइनिंग होगा। इसमें दोस्तों क्या क्या ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो देख सकते हो, क्रायोजेनिक इंजन में, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और उसके साथ यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके साथ यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। चार वैकेंसी है, तीन वैकेंसी है, वैकेंसी थोड़ा कम रखा गया है, फिर भी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो जरूर अप्लाई करिए। 65 से अबव एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए, जो परसेंटेज है वो 65 से अबव होना चाहिए दोस्तों। कई सारा ब्रांच में यहाँ पे वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर क्लिक करके इसको अप्लाई भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इसका
और नोटिफिकेशन। दोस्तों देख सकते हो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी है, ये सारे जितना भी वैकेंसी है ये सारे आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसको अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उधर क्लिक करके आप आराम से अप्लाई भी कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी डाउनलोड करके आराम से पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।